बैकुंठपुर से इस वक्त की एक अपडेट के साथ, पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े एसपी दफ्तर पहुंचे हैं। कांग्रेस के बिना अनुमति प्रदर्शन करने की शिकायत की। कोरिया एसपी तस्पी त्रिलोक बंसल से मिलकर शिकायत की है, त्रिलोक बसंत से मिलकर शिकायत की गई। वायरल वीडियो की जांच और कार्रवाई करने की मांग है। दरअसल विधायक अंबिका सिंहदेव पर विवादित बयान के आरोपों से घिरे हैं पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े। उनके खिलाफ कल प्रदर्शन किया गया था, आज एसपी ऑफिस पहुंचे हैं भैयालाल राजवाड़े। सतीश गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, बताएं पूर्व मंत्री पहुंचे हैं एसपी से मिलने। बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, मैं आपको बता दूं कि पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े जो है एसपी से मिल करके अपने समर्थकों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे थे। उन्होंने एक शिकायत एसपी को दी है और उस पर कार्रवाई की मांग की है। और जिस तरह से भैयालाल राजवाड़े के बयान को लेकर के कल कांग्रेस ने जो है विरोध प्रदर्शन किया था, पुतला दहन किया था, उनकी सांकेतिक शव यात्रा निकाली थी, और उसके बाद कल रात में कोतवाली बैकुंठपुर में पहुंच करके भी भैयालाल राजवाड़े ने अपने समर्थकों के साथ में जो एक शिकायत की थी, और जो वीडियो जो वायरल हो रहा है इसके जिसमें बयान जिस बयान को लेकर के जो है ये पूरा बवाल चल रहा है, उस वीडियो की जो है जांच करने की मांग भैयालाल राजवाड़े के द्वारा की गई थी और कि इसमें जो है कार्रवाई की जाए। और वहीं आज जो है शिकायत जो एसपी को दी गई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया, जो पुतला दहन किया गया, वो बिना अनुमति किया गया है, तो उस पर जो है कार्रवाई की मांग की गई है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो बैकुंठपुर से ये बड़ी खबर और अपडेट आपको दे दें, भैयालाल राजवाड़े पूर्व मंत्री जिन पर आरोप लगा है कि उन्होंने विधायक के खिलाफ अपशब्द कहे हैं, जिसका वीडियो वायरल है, वीडियो की जांच कराई जाए, वीडियो से छेड़खानी के आरोप कल भी उन्होंने लगाए थे, अपनी सफाई में बात कही थी, और कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया उसकी कोई अनुमति नहीं ली, इस पर भी कार्रवाई करें, इसका आवेदन देने पहुंचे एसपी ऑफिस।